सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेडी केमिस्ट्री। दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन केमिकल काइनेटिक्स। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो हियर इज द हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है यहाँ पे जो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल ही यहाँ पे समझना क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला हो गया क्या बच्चों यहाँ पे, पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, सो क्या पहला बोल रहा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो क्या बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट क्या है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज किया तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई टेल यू हियर। ओके, सो इफ आई टेक दैट इज अवर N2+3H2 गिव्स 2NH3। क्लियर? ओके, इफ आई टेक दैट एग्जांपल, इट इज कॉल्ड एज हार्बर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज ऑब्टेंड। सिंपली आई सेड दैट इज अवर व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। ओके, दिस इज अमोनिया NH3 फॉर्मूला। ओके, सो इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वी विल गेट व्हाट, मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया। यस ऑर नो, टेल मी। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अमाउंट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे ज्यादा अमोनिया मिलेगी। बहुत ही सिंपल है ना। सो यहाँ पे अगर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया किसका, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे ज्यादा अमोनिया हमको मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन में कुछ फैक्टर्स है, यहाँ पे रेट ऑफ रेट के ऊपर यहाँ पे रेट के यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रेट इंक्रीज करेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट का अगर मैंने यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो अगर ज्यादा मिलेगा दैट मीन्स क्या होगा, अगर प्रोडक्ट हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ना? सो और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अभी। ठीक है, सो ये कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो रेट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ना। सो सिंपल है यहाँ पे। सो और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे एक लेते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये कैंडल ले लिया। ठीक है, ये कैंडल है। ठीक है, नॉर्मल कैंडल है, कैंडल जो ये से जल रहा है कैंडल। ठीक है, ये कैंडल है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, कैंडल है। सो कैंडल से जल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ठीक है, सो इन दोनों को गैस प्रेजेंस में, इन दोनों गैस प्रेजेंस में यहाँ पे ये जल रहा है, कैंडल जल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कैंडल यहाँ पे कैसे जल रहा है, ये पे धीरे धीरे जल रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो कैंडल जल रहा है बच्चों यहाँ पे, तो ये जो फ्लेम है बहुत बहुत कम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा होता तो क्या होता है, यहाँ पे ये ज्यादा जोर से चलता है। ठीक है, अगर लेट मी टेक ए बीकर हियर, लेट मी टेक ए जार हियर। ओके, इन दिस जार आई जॉइन हियर ए पाइप ऑफ कंटेनर कंटेनिंग प्योर ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड प्योर ऑक्सीजन। ओके, If I join a pipe which containing a pure oxygen and with a tank and here a candle is present, then what happened? Let you see here. If a candle is, then this kind of this flame is more. Okay, before this, sorry, यहाँ पे जो present है बच्चों, यहाँ पे जो है, जो ये जो candle है, ये अंदर जो candle है, in presence of this pure oxygen. Okay, if जो pure oxygen यहाँ पे आएगा बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा जोर से चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रेट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो ये जो फ्लेम को इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन का रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ज्यादा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा जोर से यहाँ पे फ्लेम जलेगा। सबको समझ में आ रहा है? इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉक्स और इनसाइड द जार, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेम इज मोर देन द कैंडल व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द आवर बॉक्स। सिंपल? ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेयर इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन व्हाट हैपेंस, देन द
rate of reaction also increases. Simple. Okay. Let me take this is the example also. Okay. If I increase the concentration of reactant, if I increase here the concentration of reactant, then what happens? Then also more ammonia will be present. Okay. More ammonia will be present. Okay. Will be obtained. Simple. Okay. So simple. ये बहुत ही simple है जो ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे concentration increase किया तो यहाँ पे rate भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो सिंपल है बच्चों. ठीक है. सो यहाँ पे रेट होने के लिए एक्चुअली यहाँ पे आयरन मोलिब्डेनम का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. सो ये कैटलिस्ट है. ठीक है. सो ये इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होता है. ठीक है. सो कैटलिस्ट अगर है यहाँ पे तो ये रिएक्शन होगा एक्चुअली. ठीक है. सो बहुत जल्दी से होगा. ठीक है. सो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट देयर इज नो रिएक्शन. ठीक है. अगर मैंने कैटलिस्ट यहाँ पे दे दिया तो नहीं दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगा. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या होगा, ज्यादा हमको प्रोडक्ट मिलेगा. तो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया मतलब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज किया इसका मतलब है यहाँ पे कि ज्यादा जोर से रिएक्शन होगा. सो अगर यहाँ पे इंक्रीज कंसंट्रेशन का इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. यही है पॉइंट पूछा. ठीक है, सबको समझ में आ गया. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है. ठीक है. सो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, सबको समझ में आ गया. सो वही टेम्परेचर का हम इफेक्ट लेते हैं अभी. अभी टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर लेते हैं अभी. ठीक है, थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल लेते हैं अभी, वाटर लिक्विड स्टेट में. ठीक है, अगर वाटर को यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम हीट करेंगे ना. वाटर को अगर गैसीय स्टेट पे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हीट करेंगे ना. हाँ या नहीं, खुद से बोलो. अभी हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर देंगे. अभी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. मीन्स यहाँ पे लिक्विड से ज्यादा गैस कन्वर्ट हो जाएगा. हाँ या नहीं, खुद से बोलो. सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे अगर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, ये रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, ये रिएक्शन का रेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. अगर रिएक्शन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीट दिया, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर दिया. ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने क्या दिया, यहाँ पे अगर मैंने 500 डिग्री दिया तो ज्यादा जल्दी से क्या होगा, वाटर वेपर होके यहाँ पे वाटर गैस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने वही लिक्विड के लेके यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया तो यहाँ पे वाटर गैस होगा, बट बहुत ज्यादा जल्दी होगा. ठीक है, मीन्स टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट है. दैट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज गिवन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल. ओके, नाउ द कैटलिस्ट. ओके, नाउ द कैटलिस्ट. सिंपल. ओके, सो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, अभी कंसंट्रेशन हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्पर. अभी थर्ड पॉइंट हमारा कैटलिस्ट है. ठीक है, सो कैटलिस्ट क्या करता है, अभी कैटलिस्ट बच्चे यहाँ पे वही सेम एग्जांपल, ये अगर एग्जांपल लेते हैं अभी. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन मोलिब्डेनम, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे क्या होगा यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो कैटलिस्ट यहाँ पे, कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेस डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल एक्शन बट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है. सो यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्ट करके यहाँ पे अमोनिया ज्यादा दे रहे हैं. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट यहाँ पे अमोनिया ज्यादा दे रहे हैं. सो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, सो कैटलिस्ट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है. सो कैटलिस्ट यहाँ पे कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर है, कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सिंपल, यस और नो टेल मी. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है. अभी नेक्स्ट क्या हो गया, अभी इफेक्ट ऑफ सनलाइट. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज आवर इफेक्ट ऑफ सनलाइट. अभी इफेक्ट ऑफ सनलाइट का कुछ इफेक्ट है क्या, अभी कई रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें सनलाइट का इफेक्ट है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. अभी अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे H2+Cl2, ये जो रिएक्शन होता है 2HCl देता है यहाँ पे. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HNU, सनलाइट. HNU मतलब सनलाइट बट बच्चों यहाँ पे. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट अ रैपिड रेट. ओके, दिस इज हियर HNU, द सनलाइट इज एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट. ओके,
act as a catalyst. Okay, so simple here, a hydrogen or chlorine, hydrogen and chlorine gases both react with each other in presence of HNO and form HCl. Okay, so in presence of HNO, rate of reaction increases here. Okay, so here if I give HNO sunlight, that is here rate of reaction also increases. That means sunlight has an effect on the rate of reaction. So sunlight, in presence of sunlight, in what? In presence of sunlight, rate of reaction increases. Okay, rate of reaction what? Rate of reaction increases. Clear it? So पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समझ लेते हैं यहाँ पे, अगेन हम समझ लेते हैं. सो अगर मैंने यहाँ पे पहले अगर रिएक्टेंट हम लेंगे, रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट देंगे. सो पहले रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे उसके बाद अगर ज्यादा रिएक्टेंट देंगे तो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट हो गए. सो ज्यादा अगर देंगे तो रेट भी ज्यादा होगा ना, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो ज्यादा अगर देंगे तो यहाँ पे रेट भी ज्यादा होगा. सो यहाँ पे इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज. सिंपल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द सेकंड एग्जांपल. ओके, सो हियर इज द टोटल our factors affecting rate of chemical reaction. Okay, simple, that's all.